नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पुश कीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आज की हम बात करें तो हम बात करने लगे आज फिगो की। जैसे कि हो रहा है 2019 में गाड़ियां आ रही हैं नई, तो फिगो पीछे रह गई है काफ़ी। उसको भी अपडेट होना एक कंपलसरी होगा उसके लिए, क्योंकि काफ़ी पीछे है। एक तो उसका प्राइस और दूसरा उसके फीचर्स आउटडेटेड हैं। एक उसका पेट्रोल इंजन, वो ना उसमें पावर है 1.2 लीटर में और ना ही उसके अंदर इतनी कोई माइलेज देता है कि हम कहें कि बहुत अच्छी माइलेज है, चलो इस करके इसको अंडर पावर को बर्दाश्त कर लें। दोस्तों अब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे इन्होंने एस्पायर लाई और फोर्ड की जो फ्री स्टाइल आई वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही फिगो भी डिमांड कर रही है कि इसको भी किया जाए। कयास लगाए जा रहे थे कि फिगो शायद बंद ही हो जाए क्योंकि फ्री स्टाइल आ गई है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका हम बात करते हैं लास्ट में कि कब ये लॉन्च होगी और इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे और क्या इसके इंजन में तब्दीलियाँ आएंगी। दोस्तों अभी जो चल रही है इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और एक 1.5 लीटर का ऑटोमेटिक इंजन पेट्रोल में चल रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर है, एक ओवर प्राइज हो गई। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर देखें तो इसके अंदर मिस आउट क्या क्या है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम जो आजकल ट्रेंड बन गया टच स्क्रीन सिस्टम का, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ सिस्टम का, वो नहीं है इसके अंदर। और बाकी काफ़ी सारे मॉडर्न एज फीचर्स हैं जो इसके अंदर नहीं है, जैसे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो दोस्तों ये चीज़ों को अगर देखें तो गाड़ी आउटडेटेड मानी जाएगी। जाने किस लिए जाती है? इसके सिर्फ एक डीजल इंजन के लिए। अब दोस्तों क्या है कि जैसे फोर्ड एस्पायर हम वैसी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी जाए जैसे उसके अंदर की गई या फ्री स्टाइल के अंदर की गई। वो चीज़ें हैं 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर ड्रैगन इंजन जिसकी केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छी होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और लगता नहीं कि 3 सिलेंडर इंजन है और जिसकी माइलेज भी बेहतरीन है। ये इंजन इसके अंदर आ जाएगा तो एक और सोने पर सुहागा हो जाएगा, डेफिनेटली आएगा। एक नया सरप्राइज भी है अपने सेगमेंट में और फोर्ड की तरफ से भी पहली बार, और सबसे बड़ा इंजन सीएनजी किट के साथ आएगा। कंपनी फिटेड सीएनजी किट इसके अंदर आ रही है जिसको फिगो ब्लू हम बुला सकते हैं या फिगो ब्लू जिसको हम कहेंगे ये लोग। इसकी प्राइसिंग ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि प्राइसिंग अब फोर्ड भी बड़ी कॉम्पिटिटिव रख रहा है और इसके जो सर्विस पार्ट्स हैं या सर्विस कॉस्ट है वो भी जेन्युइन सही है। इन चीज़ों को देख के चलें तो ये सेगमेंट फर्स्ट अपनी सीएनजी होगी जो पावरफुल इंजन के साथ आएगी। अगर बात करें इसके एएमटी की तो 1.5 लीटर का वही पेट्रोल इंजन इसके अंदर डाला जाएगा जो एस्पायर के अंदर डाला गया है। हाँ, हालांकि इसमें कमी रहेगी कि ये ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट में नहीं आएगा, टाइटेनियम प्लस में नहीं आएगा, टाइटेनियम तक ही सीमित रहेगा। और जो सीएनजी आएगा वो भी ट्रेंड प्लस या टाइटेनियम के अंदर ही आएगा। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो अगर डीजल को देखें तो वो कंटिन्यू रहेगा, 1.5 लीटर का जो चल रहा है वो 5 स्पीड। मैनुअल के अंदर आएगा जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है 210 nm की टॉर्क के साथ। और अब दोस्तों लास्ट में बात आ जाती है कि लॉन्च कब तक होगी। लॉन्च होने के दोस्तों इसके आसार फरवरी लास्ट और मार्च के पहले हफ्ते के अंदर हैं। जैसे कि इसको जरूरत भी है और बहुत जल्दी इसको होना भी चाहिए, इसके राइवल्स और बहुत सारे अपडेट हो चुके, इसको भी गुंजाइश है और होनी चाहिए। तो दोस्तों बताइए इस वीडियो के बारे में आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर दबा दीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर कीजिए जिनको फिगो का इंतजार है, फिगो के चाहने वाले बहुत हैं, पर्टिकुलर डीजल इंजन और उसके साथ के फीचर्स। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक।